स्टूडेंट, आज हम डाटा बेस चैप्टर के सेकेंड वीडियो में फील्ड, रिकॉर्ड और टेबल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था कि डाटा बेस में ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, जिसे जरूरत पड़ने पे उसे आसानी से एक्सेस, मैनेज और अपडेट किया जा सके। डाटा बेस में डाटा को एक टेबल में स्टोर किया जाता है, जिसमें कई छोटे छोटे आपको रो और कॉलम होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक्सेस करना आसान हो जाता है। एक डाटा के अंदर बहुत सारे हम टेबल बना सकते हैं। अभी यहाँ आप देख रहे हैं कि एक टेबल बना हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ टेबल बना है ये। अब ये टेबल के जो है, टेबल में आप देख रहे हैं कि फील्ड और रिकॉर्ड है। यहाँ लिखा हुआ है फील्ड। फील्ड जो होता है वह आपका नेम, रोल नंबर, ईमेल, एड्रेस और पिक्चर, ये फील्ड है। तो ये फील्ड जो है वह कॉलम में होता है, यानी कि ये नेम, रोल नंबर, ईमेल, एड्रेस, ये आपका कॉलम में है। तो कॉलम को हम फील्ड कहते हैं। टेबल में जो कॉलम होता है उसको फील्ड कहते हैं। अब यहाँ जो रो है, रो यानी कि मोहित, रोहित, ये आपका रो में है। रो जो होता है वो रिकॉर्ड होता है, यानी टेबल में जो रो होता है वो रिकॉर्ड होता है। अब जैसे रोहित, तो रोहित का ये रिकॉर्ड हो गया, यानी रोहित का रोल नंबर 34 है, उसका ईमेल एड्रेस है rohit0505@gmail.com, एड्रेस है बेतिया बिहार और पिक्चर उसका लगा रहेगा, तो ये उसका रिकॉर्ड बन गया। तो रिकॉर्ड हमेशा रो में होता है और फील्ड जो हेडिंग होता है वो आपका जो है वो फील्ड कहलाता है। अब देखिए यहाँ इसको डिफाइन किया गया है नीचे कि फील्ड, फील्ड ए फील्ड कैन बी कॉल्ड एज ए एज द हेडिंग ऑफ द डेटा। जैसे एग्जांपल में जो हेडिंग होगा वो हो सकता है नेम, रोल नंबर, ईमेल, एड्रेस और बहुत सारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम हेडिंग दे सकते हैं। डैट इज स्टोर इन कॉलम ऑफ टेबल, ये टेबल के कॉलम में स्टोर होता है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ रिकॉर्ड, देखिए ये रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड जो है यहाँ कि ए कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज डाटा और रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड रिकॉर्ड। ऑल रिकॉर्ड्स आर स्टोर इन रो ऑफ ए कॉलम ऑफ ए टेबल, यानी रिकॉर्ड जो होता है वो कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा और रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर किसी भी पर्सन का रिकॉर्ड बनाना है तो उससे उससे रिलेटेड हमको इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना होता है जो हमको रिकॉर्ड में मिल जाता है। तो ये ऑल रिकॉर्ड आर स्टोर इन रो ऑफ ए टेबल, ये टेबल के रो में होता है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि नीचे लिखा हुआ है टेबल, यहाँ टेबल है। टेबल ए टेबल स्टोर इंफॉर्मेशन, यानी टेबल में इंफॉर्मेशन स्टोर होता है और इंफॉर्मेशन डेट आर स्टोर अंडर रिकॉर्ड और फील्ड, और ये इंफॉर्मेशन टेबल के रिकॉर्ड और फील्ड में होता है। तो रिकॉर्ड मीन्स रो और फील्ड का मतलब हुआ कॉलम, यानी टेबल जब भी बनता है तो वह आपका रो और कॉलम में बनता है। तो रो में रिकॉर्ड होगा और कॉलम में फील्ड होगा। इन ए टेबल एवरी फील्ड हैज डिफरेंट नेम, टेबल में जो फील्ड होगा यानी हेडिंग वो अलग अलग नाम का हो सकता है, वो अपने हिसाब से। जैसे अगर स्टूडेंट का हम बना रहे हैं टेबल, तो उसका स्टूडेंट का नाम होता है, रोल नंबर होता है, उसका एड्रेस है, फादर्स नेम, मदर्स नेम और बहुत सारा मोबाइल नंबर, ये सब जो ऊपर हम लिखते हैं कॉलम में वो आपका हेडिंग होता है, यानी वो फील्ड कहलाता है। और स्टूडेंट का, स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं वो इंफॉर्मेशन हमारा रिकॉर्ड में दिखाता है, जो जिसको रो कहते हैं। तो इस वीडियो में हम टेबल में कैसे फील्ड और रिकॉर्ड बना सकते हैं इसके बारे में बताया गया है।
आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके डीबीएमएस के बारे में पढ़ेंगे और फीचर्स, डीबीएमएस के फीचर्स के बारे में।